हरिओम, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितने मसालेदार, ये कितने खाने में स्वादिष्ट होती है। ओल की सब्जी बोलते हैं इसे, सूरन भी बोलते हैं इसे, बहुत सारे इसकी चटनी भी बनती है। लेकिन मैंने ओल की सब्जी जो बनाती हूँ बहुत आसान तरीके से, और इतने खाने में टेस्टी होती है, ये खाने में लाजवाब, हर सब्जियों का राजा है ये, कहिए तो। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैं इसकी रेसिपी बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ। आज मैं सूरन की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे ओल भी कहा जाता है। मैंने इसको उबाला, एक चम्मच दे एक सीटी लगाया उसको, और इसको अब मैं एक चम्मच दे के तेल को इसमें भून देती हूँ। ये सब्जी मेरी अच्छी भून रही है। इसकी सब्जी इतनी बढ़िया बनती है सूरन की कि आप सारा सब्जी का ये भूल जाओगे। कहते हैं ना, मीट भी इसके पीछे भूल जाओगे, इतना बढ़िया ये स्वादिष्ट और अच्छी बनती है खाने में। इसको ये थोड़ा ज़्यादा तलना पड़ता है क्योंकि ये इसका मुंह भी नोचता है कभी कभी, और जल्दी भी बन जाती है। एक सीटी मैंने लगा दिया, और अच्छे से इसको अच्छे से भून दीजिए। भूनने से क्या होता है कि ये मुंह नहीं नोचेगा, और इसमें थोड़ा नमक दे देने का, इसके अंदर तक नमक पहुंच जाए भूनने वक्त में, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक दे दिया। स्वाद के अनुसार आप नमक दीजिए, और इसको बढ़िया से भूनते रहिए। ये 2 से 3 मिनट लगती है इसको लाल होने में, लेकिन अच्छी बन जाती है ये सब्जी, बहुत अच्छी लगती है खाने में, अब बहुत आसानी के साथ बनती है। लगता तो है कि बहुत परेशानी होगी, कुछ ऐसा नहीं है। आपको छिलके अगर उबालना है तो उबालिए, नहीं तो इसे कट के भी उबाल सकते हो, और फिर बाद में छिलोगे ना तो हाथ नहीं काटेगी आपको। ये देखिए मीडियम आंच में बढ़िया ये भून रहा है। अब मेरी अच्छी से भून गई है, अब इसे मैं निकाल लूंगी। देख रहे हैं ना कितना आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया भून गई है। अब इसमें मैं 2 तेज पत्ता डाल दिया फोरन में, आधी चम्मच जीरा, चटकने दे इसको। मैंने 2 प्याज काट के रखी थी, अभी से मैं देखिए मेरा जीरा चटक गया है, अभी इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इस प्याज को अच्छे से भूनिए, इसको बढ़िया से भुना जाएगा तब मैं मसाला डालूँगी। ये देखिए प्याज को अच्छे से भुनना है धीरे धीरे, तो मीडियम ताप में इसको चलाकर अच्छे से भून लीजिए। ये देखिए मेरी प्याज की कलर भी अब चेंज हो गई है, अब इसमें मैं मसाला डालूंगी 1 मिनट के बाद। ये देखिए अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच धनिया, लहसुन का पेस्ट,
आधी चम्मच, अदरक पीसा हुआ आधी चम्मच, हरी मिर्च, लाल मिर्च आजकल खराबी करता है इसलिए मैं हरी मिर्च ज़्यादा देती हूँ, एक चम्मच दिया मैंने, और इसको भून दीजिए, हल्का सा पानी दे दीजिए इसमें। मैं आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च दे रही हूँ कलर आने के लिए। ये मसाला देखिए मेरी अच्छी से भून रही है, इसको बढ़िया से मसाला को भुनना है बढ़िया से, तब ये सब्जी बहुत टेस्ट आती है। मसाला मेरी भुन गई है, ये देखिए तेल छोड़ने लगा। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, बस एक मग पानी खोल गया। मैंने थोड़ा सा नमक तो पहले भी डाल दी थी, थोड़ा सा नमक और डाल दिया मैंने, और अब मैंने इसमें सूरन को डाल दूंगी और ढक देंगे। ढकने के बाद ये पूरा तैयार हो जाएगा 2 मिनट में। ये देखिए मेरी सब्जी अब तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं गरम मसाला भी डाल दूंगी, देखिए कितना बढ़िया प्यारा हुआ है, देखिए ये कट भी जाती है, बढ़िया सीज गया है। और इसमें मैं आधी चम्मच गरम मसाला दे देती हूँ, घर का बना हुआ है, इसका मैं रेसिपी डाल दी हूँ आप लोगों के पास, कुकिंग विद्या में जाकर देख लीजिएगा, अच्छी मतलब की बनी है। और ये घर का गरम मसाला में मिक्स रहता है ना तो बढ़िया रहता है, बाहर का तो मिक्स किया हुआ रहता है। ये धनिया का पत्ता डाल दिया, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, अब मैं सब करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी सब्जी एकदम रेडी हो गई है, अब मैं इसे सब करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है, अब एक बार जरूर बनाइए और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर कीजिए, मैं नई नई रेसिपी लेकर आपको आऊँगी।